अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और अन्य रोगों से ग्रसित 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को एहतियाती डोज लगाने तथा 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया जाएगा। इसमें 30 से अधिक अभियान, 15,000 से अधिक कार्यक्रम और आयोजन शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इससे इरेडा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को 12,000 करोड़ रुपए उधार दे सकेगा। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने देखा कि कोरोना महामारी के दौरान बिजनेस और उधारकर्ताओं पर लोन का बोझ ज्यादा बढ़ गया था। सरकार ने छोटे उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए बीते दिनों लोन मॉरिटोरियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। मॉरिटोरियम पर कंपाउंड इंटरेस्ट का बोझ न पड़े इसके लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की रकम को उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया है। एसबीआई के द्वारा वर्ष 2020-2021 के बजट में आवंटित 5,500 करोड़ रुपए, इसमें से 4,626 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया था। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में आज 51 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना दादेल ने बताया कि पारा शिक्षकों के लिए झारखंड सहायक अध्यापक नियमावली 2021 को मंजूरी दी गई। इसके तहत 62,800 पारा शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, 60 साल तक सेवा, चिकित्सा और अन्य भत्ता तथा अवकाश के अलावा अनुकंपा लाभ दिया जा सकेगा। एक अन्य प्रस्ताव में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 21,000 बच्चों को स्मार्टफोन मिलेगा और इस पर करीब 26,25,00,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। निरीक्षक संवर्ग, नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें संशोधन नियमावली 2021 पर स्वीकृति के संबंध में। नियुक्ति नियमावली में जो संशोधन है वो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित और नगर विकास एवं आवास विभाग से एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेदिनी नगर नगर निगम हेतु 161,77,61,000 रुपए की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त मेदिनी नगर शहरी जलापूर्ति योजना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित गरीब लोगों को उनके दो पहिया वाहन के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत निबंधन हेतु सीएम स्पोर्ट्स ऐप लॉन्च किया। अब ऐप या jsfss.jharkhand.gov.in में निबंधन कर राशन कार्डधारी योजना का लाभ ले सकेंगे। 26 जनवरी 2022 से योजना के जरिए राशन कार्ड से आच्छादित लाभुकों को अपने दो पहिया वाहन के लिए प्रतिमाह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल के लिए प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रतिमाह उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री 26 जनवरी 2022 को दुमका से योजना का शुभारंभ कर योजना की अर्हता पूर्ण करने वाले लाभुकों को लाभान्वित करेंगे। राज्य के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने आज
रांची में यूनिक किसान कॉल सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सीड ट्रैकिंग के लिए बनाए गए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आत्मा कर्मचारियों द्वारा कोरोना टीकाकरण को लेकर गाए गए गीत को भी लॉन्च किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान कॉल सेंटर की स्थापना से किसानों की समस्याओं का समाधान होगा। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,82,970 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस दौरान 1,88,157 संक्रमित 2,82,970 नए मामले दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में 1,88,000 से ज्यादा लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए। अब देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 18,31,000 हो गई है। रिकवरी दर थोड़ी सी घटी है, 93.88%। इधर झारखंड में लगातार चौथे दिन कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या अधिक रही। पिछले 24 घंटे में 3,898 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी। हालांकि इस दौरान 2,514 नए मामले भी दर्ज किए गए। इस अवधि में 4 लोगों की मौत भी हुई। राज्य में 28,586 सक्रिय मामले रह गए हैं। देश में कोविड के विरुद्ध जारी जंग में टीकाकरण अभियान अनवरत चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 58,87,47,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलाए गए राज्यव्यापी टीकाकरण महाअभियान के दूसरे सप्ताह में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ सदर को गोल्ड रैंक से नवाजा गया है। यहां 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सबसे अधिक टीके लगाए गए हैं। रामगढ़ सदर क्षेत्र में सबसे ज्यादा टीकाकरण किया गया। इस दौरान रामगढ़ सदर क्षेत्र में कुल 17,219 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इनमें 5,454 को पहली डोज और 11,765 दूसरी डोज दी गई। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस गोल्ड रैंक के लिए अस्पताल प्रबंधन की पूरी टीम को बधाई दी। उसमें बहुत खुशी की बात है कि जो चार सप्ताह का महाअभियान चलाया गया कोविड टीकाकरण के लिए, तो इसमें रामगढ़ जो सीएससी जिसमें कि दुलमी और चितरपुर भी आते हैं, लेकिन हेल्थ ब्लॉक हमारा रामगढ़ है, उसको लगभग 250 ब्लॉक में, लगभग 250 ब्लॉक्स हैं ऐसे पूरे झारखंड में, उसमें इसको पहला स्थान मिला सेकेंड वीक में, दूसरे सप्ताह में। तो ऐसा 4 सप्ताह के लिए अलग अलग रैंकिंग हो रही है और इसमें उनको गोल्ड रैंक मिला है, तो इसके लिए पूरी टीम का काफी योगदान रहा। रामगढ़ जिले में टीकाकरण को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। टीका लेने वाले युवाओं का कहना है कि उन्हें वैक्सीनेशन से कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने सरकार की पहल की सराहना भी की। और आज मैं वैक्सीन लेने आई थी जो कि ले ली हूं और काफी अच्छा से हुआ। और यहाँ आने पर मुझे पता चला कि कोरोना रामगढ़ में बढ़ रहा था, तो वैक्सीन टीका लगाने से काफी कम हो गया है। जो कि हम यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए आए हैं, सेकेंड डोज ले चुके हैं, जो कि कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी तो ले लिए हैं, थर्ड डोज भी लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। हमको पता चला है कि यह पूरा राज्य में रामगढ़ जिला को गोल्ड मेडल मिल चुका है। रामगढ़ ही नहीं, पूरे राज्य में टीकाकरण अभियान धीरे धीरे जन आंदोलन बनता जा रहा है। यह टीकाकरण का असर ही है कि कोविड का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होने लगा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही दवाएं जामताड़ा जिले के गरीबों एवं जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। जन औषधि केंद्र से बाजार की तुलना में काफी कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। जामताड़ा जिले के गांधी स्टेडियम के निकट संचालित जन औषधि केंद्र से गरीबों को बड़ा सहारा मिला है। दवा खरीदने आए रमेश कर्मकार और सुनील मुर्मू का कहना है कि आमतौर पर इलाज के दौरान दवाइयां खरीदने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र ने बड़ी राहत प्रदान की है। दवाई प्रधानमंत्री तरफ से जो ले रहे हैं सब दुकान में बहुत सस्ता मिल रहा है, गरीबों का लाभ भी हो रहा है इसमें, और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नाडा जन औषधि केंद्र है,
अभी सस्ता दाम से मेडिसिन नामोगना आपे जो कुटेगी ना आपे नोडे जो मेडिसिन पे इदीबना। रमेश ही नहीं चंद्रजीत कुमार सिंह, मुस्लिम अंसारी, शैली कुमारी, सुनील मुर्मू भी जन औषधि केंद्र के मुरीद हैं। वे प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जन औषधि केंद्र गरीबों के लिए प्राणवायु के समान साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आते हैं, यहाँ दवाई बहुत सस्ता में मिलता है। और ये जो है हम लोग का यहाँ नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो बहुत ही अच्छा किए हैं, इसमें हम लोग को बहुत सस्ता सस्ता दवाई मिलता है। ये हम लोग गरीब आदमी के लिए बहुत सुविधा है। जो दवाई 400-500 रुपया में बाजार में मिलता था, वो वाला 10-15 रुपया में मिल जाता है। यहाँ पे बहुत सस्ती दवाई और बढ़िया काम करता है। प्रधानमंत्री के लिए इसके लिए धन्यवाद है हम लोग। मैं यहाँ से दवाई लेती हूँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से। यहाँ पर दवाई प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सारी दुकानों से सस्ती मिलती है, ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। जन औषधि केंद्र के प्रतिनिधि तारकेश्वर कर्मकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जन औषधि केंद्र खोलकर देशवासियों को बड़ी राहत दी है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को हर प्रकार की दवाइयां काफी कम कीमत पर उपलब्ध हो रही हैं। मैं जन औषधि से हैं, इसमें प्रधानमंत्री खोले हुए हैं, इसमें लोगों के बहुत हितकार होते हैं। इसमें डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया सारा दवा मिलते हैं, अगर नहीं मिलते हैं उसको ऑर्डर लेके मंगवा देते हैं गरीब के लिए, सहयोगी के लिए, और सारे दवा उपलब्ध करवाते हैं। जन औषधि केंद्र से लोगों का बड़ा कल्याण हो रहा है। कहा जा सकता है कि गरीब परिवारों के लिए जन औषधि केंद्र किसी वरदान से कम नहीं है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुचाई थाना क्षेत्र के कड़ेरंगो पहाड़ी से 15 कुकर बम बरामद किया है। इन बमों को बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। जिले के एसपी अभियान ने बताया कि ये बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भंडरा के थाना प्रभारी ने बताया कि लड़की के परिजनों द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो गई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। लातेहार जिला के उपायुक्त ने आज छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक से पहले उपायुक्त ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की बैठक भी की। खूंटी जिलों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सामुदायिक स्तर पर ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीणों को घरों की बारी में साग, हरी सब्जी, फल आदि के पौधे लगाने के लिए जागरूक कर उचित पोषण से जुड़ने हेतु पोषण वाटिका विकसित किए जा रहे हैं। गुमला जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को दुमका जेल शिफ्ट कर दिया गया है। गुमला जेल में शराब पार्टी करने के मामले में यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में जेलर सुनील कुमार समेत 4 पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया है। इन सभी पर विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। लगातार 27 दिनों से लापता चल रहे रांची स्थित सुधा डेयरी के इंजीनियर सुजीत कुमार सकुशल लौट आए हैं। आज सुबह वे रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से मिले हैं। फिलहाल वे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। पलामू जिले के नावा बाजार प्रखंड की कंडा घाटी में आज तड़के 3 वाहनों में टक्कर हो गई। इसमें हाईवा चालक घायल हो गया। दुर्घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद मुख्य सड़क पर हुई। बताया जाता है कि कोहरा के कारण यह दुर्घटना हुई है।
अखिल भारतीय संगठन FMRI और राज्य स्तरीय संगठन BSSR यूनियन के आह्वान पर देश भर के मेडिकल तथा सेल्स प्रतिनिधि आज 16 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। इस सिलसिले में जमशेदपुर के साक्षी स्थित आम बागान मैदान में कोल्हान के दवा तथा बिक्री प्रतिनिधि भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हड़ताल में शामिल हुए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अंतर्गत राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने को लेकर रांची में जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में समिति के सदस्य सदस्य सचिव आमंत्रित सदस्य एवं सदस्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए। पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने आज स्वास्थ्य विभाग और समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। टीकाकरण महाअभियान अंतर्गत कोडरमा जिले के कई किशोर किशोरियों ने कोरोना का पहला टीका ले लिया है। सभी ने बताया कि कोविड का टीका पूर्णतः सुरक्षित है और यह सभी योग्य लाभुकों को लेना चाहिए। किशोरों का कहना है कि टीका लेकर ही हम सब कोरोना के विरुद्ध इस जंग को जीत पाएंगे। रांची जिले के सिल्ली इलाके से लापता नाबालिग लड़की का शव छत विछत अवस्था में चुटिया जंगल से बरामद किया गया है। नाबालिग लड़की 28 दिसंबर से गायब थी। इस मामले में सिल्ली थाने में नाबालिग के पिता ने अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गढ़वा के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में आज गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। जिले का मुख्य समारोह बालिका मध्य विद्यालय के मैदान में होगा। धनबाद जिले में उपायुक्त संदीप सिंह ने आज शहीद हीरा झा के परिजनों को भूमि के कागजात प्रदान किए। इस दौरान उपायुक्त ने हीरा झा के परिजनों को हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि धनबाद के गांधीनगर में रहने वाले हीरा झा वर्ष 2014 में बिहार के जमुई जिले के लखारी गांव में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी है। रांची का न्यूनतम तापमान कल 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 22 जनवरी से राज्य का मौसम फिर करवट लेगा। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और 23 जनवरी को कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हो सकती है। रांची स्थित प्रेस क्लब में आज सांसद संजय सेठ ने योगा सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम सहित प्रेस क्लब से जुड़े अन्य लोग मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस सिलसिले में रांची स्थित सत्यानंद योग मिशन ने DAV संस्थान के साथ मिलकर 35,000 सूर्य नमस्कार पूरा किया। स्वामी मुक्तरथ के नेतृत्व में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने बड़े उत्साह के साथ सूर्य नमस्कार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग 28 जनवरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव रिकॉर्ड करा सकते हैं। के पास कई प्रेरक संस्मरण और विषय हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने संस्मरण @mygovindia और नमो ऐप के जरिए साझा करने का अनुरोध किया है। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की ये 85वीं कड़ी होगी। लोग अपने सुझाव नमो ऐप या MyGOV ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में सुझाव रिकॉर्ड भी कराए जा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेगी। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, हुकुमचंद्र जैन और मिर्जा मुनीर बेग के बारे में।
आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रख्यात समाज सुधारक और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर की। उनका देहांत 19 जनवरी 1905 को हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को अपनाया और ब्रह्म समाज में इनका प्रसार किया। देवेंद्रनाथ का जन्म 15 मई 1817 को कलकत्ता के एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उनके पिता द्वारकानाथ ठाकुर उद्योगपति थे। देवेंद्रनाथ को युवावस्था में ही दूसरों से अलग रहने की भावना विकसित हो गई थी और 30 वर्ष का होने तक वे आध्यात्मिक सत्य की खोज में अधिक समय व्यतीत करने लगे थे। बाद में तो जैसे वे उसी पथ के राही बन गए। देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की, जो दार्शनिक जिज्ञासा के माध्यम से आदि धर्म और उपनिषदों की शिक्षा को प्रोत्साहन देती थी। इसके लिए देवेंद्रनाथ ने तत्व बोधिनी पत्रिका भी आरंभ की। उस पत्रिका में ब्रह्म धर्म के औचित्य पर लेख होते थे। उसमें आस्तिकतावाद के साथ साथ महिला शिक्षा, विधवा विवाह का भी प्रचार प्रसार किया जाता था। पत्रिका में बहुविवाह प्रथा की निंदा भी की जाती थी। 21 दिसंबर 1843 से देवेंद्रनाथ ने समाज को आध्यात्मिक समुदाय में बदल दिया, जो प्रार्थना के लिए नियमित रूप से एकत्र होता था। देवेंद्रनाथ ने 1848 में उपनिषदों के चुनिंदा अंशों पर आधारित पुस्तक ब्रह्म धर्म प्रकाशित की। उस पुस्तक में अद्वैतवाद और तर्क शास्त्र पर बल देने वाले आदि धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। वे सिद्धांत व्यक्तिगत ध्यान पर केंद्रित थे, जो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा को अस्वीकार करते थे। 1860 के दशक में देवेंद्रनाथ शांति निकेतन चले गए, जहां उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन जारी रखा और ब्रह्मवाद की सीमाओं पर चिंतन किया। कई वर्ष उपरांत रविन्द्रनाथ ने उसी स्थान पर अपने स्कूल और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अंतिम समय तक देवेंद्रनाथ भारतीय समाज की बेहतरी के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय की स्मृति को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानियों हुकुम चंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोनों 19 जनवरी 1858 को शहीद हुए थे। हुकुम चंद जैन का जन्म 1816 को हिसार जिले के हांसी में हुआ था। वे दिल्ली में बहादुर शाह के दरबार में उच्च अधिकारी थे। उन्हें 1841 में हांसी और करनाल जिले के कुछ क्षेत्रों का कानूनगो नियुक्त किया गया था। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सुनकर वे दिल्ली पहुंचे। वे मुगल दरबार में देशभक्त नेताओं की सभा में शामिल हुए, जिसमें तांत्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी भी आए थे। उन्होंने हरियाणा में स्वतंत्रता संघर्ष चलाने का प्रस्ताव रखा और हांसी वापस आने पर सेना को एकजुट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना के साथ ब्रिटिश संचार प्रणाली पर धावा बोला और साधारण हथियारों से लैस अपने सैनिकों के माध्यम से ही अंग्रेजों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने साथी मिर्जा मुनीर बेग के सहयोग से मुगल शासक को पत्र लिखा और उनसे सेना भेजने का आग्रह किया, लेकिन इस बीच दिल्ली पर ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया और मुगल रिकॉर्ड में उनके तथा मिर्जा मुनीर बेग के हस्ताक्षर वाला पत्र अंग्रेजों के हाथ लग गया। ब्रिटिश कमिश्नर ने तुरंत हिसार के कलेक्टर को लाला हुकम चंद जैन और मिर्जा मुनीर बेग पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके घरों पर छापेमारी की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को मृत्यु दंड दिया गया। दोनों शहीदों को आकाशवाणी का शत शत नमन। जहां चाह वहां राह वाली कहावत को दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के किसानों ने सच कर दिखाया है। सिंचाई सुविधाओं के अभाव के बावजूद भी यहां के किसानों ने अच्छी खेती की है और भरपूर पैदावार पाई है। पेश है एक रिपोर्ट। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड की दलाही पंचायत के पिछली गांव के किसानों ने इस बार भी सब्जी और तेलहन की अच्छी खेती की है। कोहरा, फूलगोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैगन, साग और सरसों की इस बार भी अच्छी पैदावार हुई है। सिंचाई की बात करें तो गांव में सिर्फ 4 कूप है, जिनमें पूरे गांव के किसान कई एकड़ में फैले अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। यहां करीब हम लोग का है 2-3 एकड़ जमीन सिंचाई होता है एक कुआं में, तो 3 एकड़ जमीन में एक कुआं में संभव नहीं है। फूलगोभी है, बंधा गोभी है, बीम्स की खेती है। 4 बजे से शुरू हो जाता है मशीन लेके,
इसीलिए दिक्कत होता है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें सिंचाई की सुविधा मुहैया करा दे तो वे और बेहतर खेती कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पानी की कमी से पैदावार को होने वाले नुकसान को दूर किया जा सकता है। फसल लगाते हैं तो ये मुरझा जाता है पानी के अभाव से। सरसों लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, फूल गोभी, बंधा गोभी, आलू, टमाटर, बैंगन, लेकिन उतना बढ़िया नहीं होता है पानी के अभाव से। और सिंचाई का व्यवस्था होने से और बढ़ेगा, लेकिन सिंचाई नहीं है इसलिए खेती के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हरे भरे खेत और पीले पीले फूलों वाली सरसों की झूमती डालियां इस किसानों की मेहनत और खेती की आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की कहानी कह रही है। यहाँ के किसान उन किसानों को सीख दे रहे हैं जो सुविधाओं की कमी के आगे हार मान लेते हैं। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। आने वाले दिनों में तकनीक हमारी ट्रैफिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएगी। एक भारतीय कंपनी ने इसके लिए रडार आधारित तकनीक विकसित की है। भारत में शहरों की सड़क परिवहन व्यवस्था पहले से अधिक सुरक्षित हो सके, इसी प्रयास को आगे बढ़ाया है भारत की ही एक कंपनी ने। मेक इन इंडिया पहल के तहत वेहंत टेक्नोलॉजीज ने एक रडार आधारित गति का पता लगाने वाली परिवर्तन प्रणाली विकसित की है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत ये सिस्टम 230 किलोमीटर तक की गति का पता लगा सकता है। अभी तक इस तकनीक का इस्तेमाल विदेशी कंपनियां करती थीं, लेकिन अब भारत में भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा। यह सिस्टम वीडियो सेंसर और रडार सेंसर के संयोजन का उपयोग करता है जो किसी भी वाहन की स्पॉट और औसत गति का पता लगाता है। हमने अभी रिसेंटली एक 4D रडार बेस्ड सिस्टम डेवलप किया है जो स्पीड वायलेशन डिटेक्शन के काम आएगा। रडार बेस्ड सिस्टम्स इंटीग्रेट होते हैं कैमरा के साथ, जिसमें रडार जो 4D रडार है वो व्हीकल की स्पीड डिटेक्ट करता है और नंबर प्लेट कैमरा जो है उसका नंबर प्लेट रीड करता है, और वो एक बैकएंड सॉफ्टवेयर है जो कंप्लीटली सारे कैमरास को इंटीग्रेट करेगा और बैकएंड चलानी सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर चलान जनरेट करेगा। यहाँ पे ये रडार बेस्ड सिस्टम्स मोस्टली हाईवेज पे ज्यादा यूज होंगे, जहां पे हाई स्पीड व्हीकल्स रीजनेबली स्पार्स कंडीशन यानी कम ट्रैफिक सिनेरियो में रडार कामयाब है। बट रडार का और एक मेजर बेनिफिट है कि ये लो लाइट सिचुएशन, हैवी फॉग, हैवी रेन में भी व्हीकल को डिटेक्ट कर सकता है। रडार के साथ एक हाई डेफिनेशन कैमरा और एक लोकल प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाती है जो आने वाले वाहनों की तस्वीरें या वीडियो कैप्चर करती है। कैमरा सिस्टम उल्लंघन करने वाले वाहन की पहचान नंबर प्लेट से करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एल्गोरिदम का उपयोग करके नंबर प्लेट को पढ़ता है और उल्लंघनकर्ता की तस्वीर और नंबर को नियंत्रण कक्ष में केंद्रीय ई चालान सॉफ्टवेयर को भेज देता है। इस तकनीक के उपयोग का आकलन करने के लिए वर्तमान में नोएडा शहर में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को दी मंजूरी। उधारकर्ताओं को भी बड़ी राहत की घोषणा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की हुई बैठक। 51 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना से संबंधित ऐप को भी किया लॉन्च। लगातार चौथे दिन राज्य में कोरोना संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या रही अधिक। टीकाकरण को लेकर किशोरों में उत्साह। और सरायकेला खंडसावा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 15 बम बरामद। लोहरदगा में दुष्कर्म के 9 आरोपी गिरफ्तार। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी चक्कर नहीं माँ, स्वच्छ
चिजल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।